Hey guys, welcome back to the video. So, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी Samsung Galaxy S20 FE 5G स्मार्टफोन के बारे में। यहाँ पे फाइनली एक अपडेट रिसीव हुआ है, तो इस अपडेट की क्या पूरी कहानी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी S20 FE 5G के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों इस डिवाइस की पहले बात बता दें आप लोगों को, तो ये एक मतलब आप लोग समझ लो तो एक फ्लेक्सिबल लेवल का फोन है और यहाँ पे आपको फीचर सारे फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे अपडेट्स भी आपको फ्लेक्सिबल वाले ही आते हैं, मतलब कि अपडेट्स रेगुलर इसमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है, जो कैमरा है, वो इस डिवाइस को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है। वैसे दोस्तों इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में कि आखिर इस अपडेट की क्या कहानी है। दोस्तों इस अपडेट की बात करें तो ये कोई मेजर अपडेट नहीं है, एक छोटा सा अपडेट है जो आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पेज को बढ़ाता है। यहाँ पे सिक्योरिटी पेज की बात करें तो इसमें अप्रैल मंथ का सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों मई का महीना चालू हो गया, आधा बीत गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सिक्योरिटी पेज अप्रैल का मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, मिल तो रहा है अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पे इस अपडेट के साथ और क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है। अब तो इस अपडेट के फाइल साइज की बात करें तो ये 215 MB फाइल साइज के साथ आता है, मतलब एक बहुत ही माइनर सा अपडेट है ये। और यहाँ पे दोस्तों इसमें जो है कुछ बग्स फिक्स किए गए हैं। यहाँ पे जो है आपको फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं देखने को मिलता है नया, क्योंकि आता है कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे 4.1 का अपडेट आया था जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, वो अपडेट काफी बड़ा था और उसमें फीचर्स भी बहुत सारे लोडेड थे, तो यहाँ पे फीचर्स तो इस अपडेट के साथ नहीं दिया गया है जो ये सिक्योरिटी पेज वाला अपडेट आया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल भी होंगे कि भाई ये फोन क्या हिट होता है, मतलब जो है इस अपडेट के बाद क्या ये फोन हिट होता है। तो दोस्तों मैं उन लोगों को डायरेक्ट ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई नहीं होता है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हाँ होता है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है मैंने जैसे इसको इंस्टॉल किया, मैंने यूज किया, तो स्लाइटली वार्म मुझे फील हुआ। अब जो स्लाइटली वार्म मुझे हो सकता है इसलिए फील हुआ क्योंकि मेरे यहाँ पे जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है कुछ दिनों से, यहाँ पे जो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, तो इस कारण से हो सकता है कि फोन थोड़ा सा स्लाइटली वार्म हो गया हो यूज करते हुए। लेकिन बाद बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस में कोई भी प्रकार की कमी नहीं आई है, या फिर परफॉर्मेंस जैसा आपको मिलता था वैसा ही मिल रहा है, कैमरा परफॉर्मेंस वैसा ही है, आप लोगों को मतलब किसी भी प्रकार का डाउनग्रेड इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों BGMI की बात करें, जो लोग गेमिंग करते हैं थोड़ा बहुत, तो उनके लिए भी बता दूं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है, बस जो है मुझे स्लाइटली वार्म लगा, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल है। अगर आप लोग थोड़ा सा यूज कर ले तो थोड़ा देर रख दो ठंडा हो जाएगा, तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा थोड़ी ना कि इसको हीटिंग चैम्बर बना करके यूज करते रहोगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या इस अपडेट को करना चाहिए, तो मैं आप लोग को सीधा बोलूंगा हाँ दोस्तों इस अपडेट को आप लोग को इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस अपडेट के साथ आप लोग की सिक्योरिटी भी जो है इंप्रूव हो जाती है फोन की। कोई मैलवेयर रहता है या फिर कुछ वायरस वायरस रहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो है प्रदान किया जाता है इस फोन में। और दोस्तों यहाँ पे अपडेट के बाद ये फोन जो है थोड़ा सा मतलब कुछ बग्स को भी फिक्स किया है, तो आई होप कि आपको ये अपडेट जो है अच्छा जो है आपके डिवाइस के लिए हो। और इस अपडेट के बाद अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आया तो प्लीज शेयर जरूर करना हमारे साथ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम आया है इस अपडेट के बाद। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।